हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, जब भी हम लोग पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वो रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट, सारे इस कैटेगरी के आपको स्टॉक लेने चाहिए, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो। और आप लोगों को ये भी देखना चाहिए, एक ही कैटेगरी के आप लोगों को पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक नहीं लेने चाहिए। जैसे कि आजकल देख रहे हैं, दो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हम लोगों को देखने मिलती है, एक केमिकल सेक्टर और दूसरा है आईटी सेक्टर। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि केवल और केवल आईटी सेक्टर का आपने ही एक पोर्टफोलियो बना लिया या फिर केमिकल सेक्टर का ही आप लोगों ने एक पोर्टफोलियो बना दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी गलत स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म में आप लोगों को ऐसे ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को हर कैटेगरी के स्टॉक लेने चाहिए। आप लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे भी हैं जो कि केमिकल आईटी से बिलोंग नहीं करते, तब भी उन्होंने पैसा बनाया है। जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्री, एस्ट्रल पॉलिटेक को देख सकते हैं, रिलैक्सो फुटवेयर को देख सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफी अच्छा खासा पैसा बनाया है। इस वीडियो की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम लोग तीन स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि एक स्टॉक है लार्ज कैप, दूसरा स्टॉक मिड कैप कैटेगरी का है, और तीसरा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप हम लोग बोल सकते हैं। जो पहला स्टॉक है वो आपको हमेशा सेफ्टी प्रोवाइड करा के दिखाएगा, और दूसरा स्टॉक है जो ग्रोथ दिखाता रहेगा, और तीसरा स्टॉक आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैसिव ग्रोथ दिखा सकता है थोड़ा रिस्क के साथ। तो ऐसे पोर्टफोलियो आप लोगों को काफी अच्छा खासा वेल्थ बना के दिखा सकता है। जानेंगे कैसे आप लोग केवल 50,000 इन्वेस्ट करके काफी बड़ी वेल्थ बना सकते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहली स्टॉक की बात करें तो आप लोगों को दोस्तों देखने मिलता है बजाज फाइनेंस। मुझको लार्ज कैप स्टॉक में सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसने कभी भी अपने इन्वेस्टर को निराश नहीं किया है, हमेशा से ही लगातार ग्रोथ दिखाई है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है, जिसके चलते इसके स्टॉक में हमेशा ही तेजी बनी रहती है। हर महीने हम लोग देखते हैं कि मेगा ब्रेकआउट आता है इस स्टॉक में और नए लेवल्स पे स्टॉक पहुंच जाता है। अगर हम लोग बात करें इसके रिटर्न की तो दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 साल में 55% की रिटर्न। और अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक इस तरीके की रिटर्न देता है तो दोस्तों आप लोगों को पहली चीज कि किसी भी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियों में जाके रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लार्ज कैप कंपनी आपको इस तरीके की रिटर्न दे रही है, 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 750% रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम लोग मैक्स रिटर्न देखें इस कंपनी की, तो सबको पता है कितना बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। 1996 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कंपनी लिस्ट हुई मार्केट में, और वहाँ से 1,29,000% रिटर्न इस स्टॉक ने डिलीवर करके दिखा दिए हैं। तो मतलब कि हमेशा से इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर का पैसा बनाया है, और अभी भी मौका है। ऐसा नहीं होगा ना कि यहाँ से आपको ये कंपनी आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों हम लोगों को पता होता है, जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से भाग के एकदम टॉप के लेवल पे होता है तो केवल उसको एक एक्सक्यूज चाहिए होता है, कोई एक न्यूज चाहिए होती है जिससे वो फॉल आउट हो सके और बियर्स उस पर हावी हो जाए। लेकिन हम लोगों को पता है अच्छे स्टॉक ज्यादा दिन तक नीचे के लेवल पर नहीं रहते, वो दोबारा से रिकवर करते हैं और वो अपट्रेंड में जाके ऊपर ही नजर आते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को ये स्टॉक उन्हीं कैटेगरी में देखने को मिलेगा। आप लोग देख रहे हैं एनबीएफसी, बहुत बड़ी एनबीएफसी आपको देखने को मिल जाती है, बजाज ग्रुप का ये स्टॉक है, और हम लोगों को सब्सिडियरी देखने को मिलती है कितनी सारी है इसकी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। हम लोगों को पता है कि बजाज ग्रुप छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारे स्टॉक लिस्ट हैं कंपनी में, तो डेफिनेटली इस कंपनी में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों अपने अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक एक केमिकल स्टॉक है और बहुत ही मैसिव रिटर्न इस स्टॉक ने भी डिलीवर करके दिखाया है, जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है आजकल इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पर बहुत ही फेमस स्टॉक दीपक नाइट्राइट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हैं, एक दो रीज़न नहीं है। आप लोगों को इसका बिजनेस पता होना चाहिए सबसे पहले तो, और हमने इसका बिजनेस बहुत बार डिस्कस किया है अपने वीडियो में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बेसिकली चार तरीके के केमिकल्स बनाता है, जिसमें फिनोलिक्स बेसिक केमिकल्स, तीसरा फाइन स्पेशलिटी केमिकल, और चौथा है इसका परफ्यूम प्रोडक्ट वगैरह। और अगर हम लोग इस कंपनी के यूज़ की बात करें, मतलब कि किस इंडस्ट्री में आपको ये काम करती नज़र आती, तो बेसिकली आपको देखने को मिलता है इन केमिकल का यूज़ हम लोगों को देखने को मिलता है एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनियों में, एनिमल्स के लिए, एनिमल्स में जो हम लोगों को देखने मिलता है न्यूट्रिशंस वगैरह, वहाँ पे आप लोगों को ये सारे केमिकल्स यूज़ होते हुए नज़र आते हैं। कोटिंग वगैरह में, कमर्शियल और सर्विस यूज़ में यूज़ होते हैं ये सारे केमिकल्स, मतलब बहुत सारे आपको यूज़ देखने मिल जाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के लिए होते हैं, आयरन स्टील मील्स के लिए होते हैं, मतलब कि आप लोगों को देखने मिलेगा अगर ये कंपनी केमिकल बनाना बंद कर देगी तो बहुत सारे जो सेक्टर है उनको इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बेसिकली ये कंपनी बहुत बेहतरीन है, आप लोग इस स्टॉक में भी हमेशा ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, आपको हमेशा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मिलता ही रहेगा। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिला है 2,350% रिटर्न, मतलब कि पैसे को लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 24 गुना इस स्टॉक ने कर दिया है। और वहीं अगर हम लोग मैक्स रिटर्न देखें इस कंपनी के,
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 55,000% रिटर्न 1995 से इस स्टॉक ने डिलीवर करके दिखा दिए हैं। 3,000 रुपये का स्टॉक है और अभी आपको 2,300 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो आप लोगों को काफ़ी नीचे स्टॉक मिल रहा है। आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके फंडामेंटल देखें, तो ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार देखे हैं कि कंपनी के बैलेंस शीट बहुत ही शानदार है। हमेशा से ही प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, 65% के CAGR से बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार ग्रोथ दिखा रही है। और अगर हम लोग बात करें अपने तीसरे और आखिरी स्टॉक की, तो दोस्तों आप लोगों को एक माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिलती है जिसका नाम है श्री जगदम्बा पॉलीमर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक हमेशा से ही आउट परफॉर्म करके आया है, लगातार बहुत तेजी से प्रॉफिट ग्रोथ इसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं अभी बहुत ही छोटी कंपनी है, तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। 52 वीक हाई देख सकते हैं 1760 रुपये के आसपास का, और अभी ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 1,000 के लेवल पे, मतलब कि लगभग 700 पॉइंट आप लोगों के स्टॉक नीचे मिल रहा है। तो आप लोगों को देखने को मिला काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है, आप लोग इस स्टॉक में पोजीशन ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके 5 साल के रिटर्न की, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 1745% रिटर्न, मतलब कि 18 गुना कर दिया है 5 साल के अंदर पैसे को। मैक्स रिटर्न देखें तो देख सकते हैं 2012 में लिस्टिंग हुई इस कंपनी की 3 रुपए के प्राइस पे, और 34,000% रिटर्न इस स्टॉक ने डिलीवर करके दिखा दिए अभी तक। कंपनी के अगर हम लोग फंडामेंटल देखें, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो देख सकते हैं 42% के CAGR से बढ़ रही है। सेल्स ग्रोथ 20% 14% के आसपास है। देख सकते हैं स्टॉक ने 79-80% के CAGR से रिटर्न दिए हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी की बहुत ही शानदार है। कंपनी में अगर हम लोग डेप्थ की बात करें, तो आप लोग देख सकते हैं 50 करोड़ का डेप्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और रिजर्व 162 करोड़ के आसपास के यहाँ पे रिजर्व आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, आने वाले टाइम में कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारा फंड है कि वो पूरा का पूरा डेप्थ जो है वो पे आउट भी कर सकती है और आगे बिजनेस को बढ़ा भी सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप लोग नजर में रख सकते हैं। दोस्तों केवल 50,000 रुपये अगर आप लोग इन तीनों स्टॉक्स में लगाते हैं, दो स्टॉक बजाज फाइनेंस के आसपास उठा लीजिए, उसके बाद 10 स्टॉक के आसपास आप लोग दीपक नाइट्राइट उठा सकते हैं, और फिर श्री जगदम्बा पॉलीमर भी आप लोग ले सकते हैं। 25 साल तक आपने अगर ये पोर्टफोलियो होल्ड किया और 36% के CAGR से एवरेज रिटर्न आपको मिल गया, तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं लगभग 11 करोड़ की वेल्थ आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आराम से बनते हैं, लेकिन आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान देना पड़ेगा वो है 25 साल, क्योंकि ये छोटा मोटा टाइम नहीं होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। तो जितनी जल्दी आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, उतनी ही बड़ी वेल्थ आप लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैटर ये नहीं करता कि आप लोग 50,000 रुपये लगाते हैं, 5 लाख रुपये लगाते हैं, मैटर करता है टाइम और आपका स्टॉक पिक करना, कौन सा आप लोग स्टॉक पिक कर रहे हैं, अच्छा है, फाइनेंशियल ग्रोथ उसमें है कि नहीं है, तभी आप लोगों को अच्छे रिटर्न स्टॉक मार्केट से मिल सकते हैं। और इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स बताए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं रेगुलर अपडेट्स भी देता रहता हूँ किस स्टॉक में आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा वेल्थ बनाती हुई नजर आ सकती है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। इस वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।